सब्सक्राइब करें एग्रीवेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले एग्रीवेट की नए वीडियो सबसे पहले देखने के। दोस्तों एग्रीवेट की इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जाइडस कंपनी के ए टू जेड मेडिसिन लिस्ट के बारे में। दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमने जाइडस कंपनी के एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है लिस्ट है उस पे वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन ऊपर मिल जाएगा। दोस्तों वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने जाइडस कंपनी के जितने भी एंटीबायोटिक आते हैं उस पे वीडियो बनाए हुए हैं। दोस्तों एंटीबायोटिक मेडिसिन में इंजेक्शन और बोलस दोनों आते हैं, उन दोनों का लिस्ट उसमें दिया हुआ है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन इंजेक्शन कौन कौन से आते हैं और साथ में रूमेंटोरिक जो इंजेक्शन है वो कौन सा आता है, एनसाइड कौन सा आता है, मिनरल का इंजेक्शन कौन कौन सा आता है, इसके बारे में आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में संक्षिप्त डिटेल भी आपको हम बताते चलेंगे। दोस्तों सबसे पहले लिस्ट पे है वेटाडे। वेटाडे इंजेक्शन जो है दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी 3 और विटामिन ई दोस्तों पाया जाता है, जो कि रिपीट ब्रीडर जो हो गया दोस्तों उसमें इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। साथ में दोस्तों रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जिसको है जो बचदानी का विकास सही से नहीं हुआ है उसमें इसका बहुत ही बेहतर दोस्तों उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग जो है दोस्तों काफ के अंदर अगर हम बात करें तो आप किसी भी रिपीट ब्रीडर या रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जैसे डिसीज में आप किसी बीमारी के इलाज करने में 2 से 4 ml इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में अगर गाय भैंस है बड़े जानवर है उसमें 6 से 10 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका इंट्रामस्कुलर रूट से दोस्तों लगाया जाता है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों न्यूरोक्सिन एम करके, इसके अंदर मिथाइल कोबालामिन साथ में विटामिन B6 और विटामिन B3 दोस्तों पाया जाता है। ये भी दोस्तों न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, फैटी लिवर हो गया या डेबिलिटी एंड एक्सक्यूज हो गया, एनोरक्सिया हो गया, एनीमिया हो गया जैसे डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग दोस्तों लार्ज एनिमल में 5 से 10 ml IM या IV रूट से लगा सकते हैं, स्मॉल एनिमल में दोस्तों 2 से 3 ml IM या IV दोनों रूट से आप अपने पशुओं को लगा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है हैबिट प्लस करके, हैबिट प्लस जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और उसके साथ विटामिन B6 हो गया, B3 हो गया, B9 फ्लोक्सासिन सोडियम हो गया, कोलोनिक क्लोराइड हो गया, डी पेंथेनॉल हो गया, डी बायोटिन हो गया, साथ में दोस्तों विटामिन B12 हो गया, सोडियम एसिड फॉस्फेट हो गया, ये बहुत सारे दोस्तों इसके अंदर मिनरल्स के जो इंजेक्शन है जितने भी इंजेक्शन है दोस्तों सारे विटामिन के इंजेक्शन हैं। इसके अंदर दोस्तों इसका मिल्क फीवर में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। इनफर्टिलिटी बांझपन हो गया किसी पशु को उसमें इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। रिपीट ब्रीडर में इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा ROP में भी इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट है दोस्तों। और जनरल डेबिलिटी कमजोरी हो गया है, एनीमिया हो गया है, इन सब में इसका बहुत ही दोस्तों बढ़िया रिजल्ट है। साथ में दोस्तों इसका जो है एग्जुमेंट लीवर किडनी फंक्शन को एक्टिव करने में इसका बेहद बढ़िया दोस्तों उपयोग है। इसका आप 1 ml प्रति 30 kg बॉडी वेट से IM रूट से आप एक दिन बीच करके 3 से 5 दिनों तक आप इसे लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है बेलामाइल। बेलामाइल के बारे में दोस्तों एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखे हैं, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देंगे दोस्तों। इसके अंदर भी दोस्तों B1, B6 और B9 और B12 जैसे मल्टीविटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है दोस्तों। इसका भी दोस्तों बहुत सारे डिसीज में इसका उपयोग होता है, जो हम भी इससे पहले एनीमिया जैसे डिसीज हो गया दोस्तों, मेटाबॉलिज्म जितने डिसीज है उन सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये लार्ज एनिमल में 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर या 10 से 15 ml हैवी बॉडी वेट वाले पशुओं को 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर रूट से आप दे सकते हैं। स्मॉल एनिमल में दोस्तों 3 से 5 ml के बीच में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है लिमासोल करके जो है दोस्तों इंजेक्शन। इसका उपयोग जो दोस्तों इसमें लिमासोल हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर 75 mg पाया जाता है दोस्तों। ये जो है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। FMD जैसे डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मास्टाइटिस जैसे डिसीज में आप इसका उपयोग दोस्तों कर सकते हैं, मेट्राइटिस हो गया और साथ में पैरामेट्रा हो गया दोस्तों, ये सब डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों सिक्विल। सिक्विल जो है दोस्तों इसके अंदर 3-फ्लूप्रोमाइजिन हाइड्रोक्लोराइड 20 mg पाया जाता है, जो कि दोस्तों रेजिस्टेंस ऑफ
एनिमल्स जो होते हैं दोस्तों उसके अंदर आप इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि लेट डाउन मिल्क हो गया, या यूट्राइन जो प्रोलैप्स बाहर बिग रहा है पशु, वजाइनल प्रोलैप्स हो गया, यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया, उन सब में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ताकि पीछे के भाग में उसका जो सूजन है या उसको जो खुजली टाइप का होता रहता है वो कम करने में मदद करता है। इसीलिए दोस्तों एलर्जी उलर्जी सभी तरह के डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं सिक्विल का। और दोस्तों इसका डोज की अगर हम बात करें तो डोज आप इसे 10 mg यानी कि 0.5 ml प्रति 200 kg बॉडी वेट के हिसाब से IV, और 20 mg 1 ml प्रति 100 kg बॉडी वेट से इंट्रामस्कुलर रूट से आप बड़े पशु को आप इसे लगा सकते हैं। ये 5 ml के वायल में दोस्तों आता है। उसके बाद दोस्तों आता है बोवीरम बोलस करके, जिसके अंदर एंटीमोनी पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है सो होता है, उसके बाद ड्राइड फेरस सल्फेट होता है, उसका कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस होता है, उसके बाद कोबाल्ट क्लोराइड दोस्तों इसके अंदर होता है। इसका उपयोग दोस्तों बड़े पशु में 3 से 4 बोलस जो है आप पर डे दे सकते हैं बड़े पशु को। इसका उपयोग एनोरेक्सिया और सिंपल इंडाइजेशन सिस्टम में बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। ये जो है दोस्तों रूमेंटोरिट टैबलेट है, ये रूमेन में रूमेन के लिए खास करके बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों आता है जोबिड MPM करके जो है दोस्तों, इसके अंदर मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों, जो कि इसके अंदर मेलोक्सिकैम 5 mg और पैरासीटामोल 150 mg पाए जाते हैं, साथ में लिग्नोकैन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है दोस्तों 1% इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। ये जो है IM रूट्स के लिए भी आता है और बोलस में भी दोस्तों आता है। इसका उपयोग फीवर जैसे डिसीज में और ब्रोंचाइटिस निमोनिया मस्टाइटिस जैसे डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस अगर बच्चेदानी बाहर बिग रहा है ऐसे में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लार्ज एनिमल में 15 से 20 ml प्रति 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर रूट से आप लगा सकते हैं। छोटे पशुओं में जैसे कि काफ हो गया, सीप गॉट हो गया, उसको 1 ml प्रति 10 kg बॉडी वेट से इंट्रामस्कुलर रूट से आप लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सालजिन NP ओरल N4 इंजेक्शन के अंदर दोस्तों निमोसलाइड जो होते हैं 100 mg पाया जाता है, और बोलस के अंदर इसका जो है NP बोलस ऑक्सालजिन NP बोलस जो है उसके अंदर निमोसलाइड 400 mg और पैरासीटामोल 1500 mg पाया जाता है, जो कि दोस्तों इसका है दर्द में, फीवर में हो गया, पेरोक्सिया में हो गया, अननोन फीवर हो गया, उसमें पोस्ट सर्जिकल कंडीशन जैसे डिसीज में आप इसका उपयोग दोस्तों कर सकते हैं। किसी भी तरह का बुखार है या एंटी इन्फ्लामेशनरी है दोस्तों किसी भी तरह का, उसके अंदर सोजस है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके इंजेक्शन की बात करें दोस्तों ऑक्सालजिन NP इंजेक्शन का, तो उसको आप 1 ml प्रति 25 kg बॉडी वेट के हिसाब से बड़े पशु में और 1 ml प्रति 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से छोटे पशु में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम ऑक्सालजिन NP बोलस का बात करें तो इसको आप लार्ज एनिमल में 1 से 2 बोलस पर डे आप उपयोग कर सकते हैं, साथ में स्मॉल एनिमल में 1 से 1.5 बोलस से 1 बोलस के बीच में पर डे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है नियोप्रोफेन करके इंजेक्शन, जिसके अंदर कीटोप्रोफेन जो होता है 100 mg और बेंजाइल अल्कोहल 1% पाया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और एंटी पैराटिक इफेक्ट में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, यानी सूजन हो गया, बुखार हो गया, दर्द हो गया, इन सब में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है और 1 से 2 घंटे के बीच में काम कर देता है। दूध इस इंजेक्शन से लगाने से दूध में बिल्कुल भी कमी नहीं होती है दोस्तों। इसका उपयोग आप मस्टाइटिस हो गया, एक्यूट या क्रोनिकल इन्फ्लामेटरी कंडीशन के जो मस्टाइटिस होते हैं उसमें कर सकते हैं। मायोसिस्टिस जो होता है सर्जिकल पेन एंड कॉलिक पेन जैसे डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसका डोज की बात करें तो आप कैटल और बुफेलो में 3 mg प्रति kg बॉडी वेट के हिसाब से IM IV और सबकर तीनों रूट से आप अपने पशुओं को दोस्तों ये लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे नंबर पर आता है कार्पोफेन करके दोस्तों, इसके अंदर कार्पोफेन होता है 50 mg और मेंजाइल अल्कोहल 1% पाया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग जो है दोस्तों मास्टाइटिस, निमोनिया और साथ में जो है पोस्ट ऑपरेटिव पेंस जैसे मस्कुलर
मेंटल डिसऑर्डर जैसे डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है पावरफुल है एनाल्जेसिक, बुखार कम करने में और दर्द कम करने में और सूजन कम करने में बहुत ही बेहतर तरीके से ये काम करता है। इसका उपयोग आप 1 ml प्रति 35 kg बॉडी वेट के हिसाब से IM IV और सबकट तीनों रूट से आप सिंगल डोज के में लगा सकते हैं, मात्र एक बार लगाना होता है दोस्तों। और छोटे पशुओं में दोस्तों 0.4 mg प्रति के जी बॉडी वेट से हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे नंबर पर आता है दोस्तों फ्लूमिमेग करके, जिसके अंदर फ्लोक्सिनेक्स मेग्लोमाइन जो होते हैं वो पाया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग दोस्तों कोलिक में, पेट दर्द में इसका बहुत ही बेहतर उपयोग है दोस्तों। इस पर भी मैंने मेग्लोडाइन पे भी एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप हमारे YouTube चैनल के होम पेज पर जाके देख सकते हैं। साथ में इन्फ्लामेशन या फीवर जैसे डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इंडोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस जैसे मस्टाइटिस, निमोनिया, ब्रोंचिंग निमोनिया हो गया दोस्तों, एंथ्राइटिस हो गया, मायोसिस हो गया, इन सब डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। को आप 1 से 2 ml प्रति 45 kg बॉडी वेट के हिसाब से IV या IM रूट से बड़े पशुओं में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। छोटे पशु जैसे कि दोस्तों इसका उपयोग 2 ml जो हुआ प्रति 45 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे नंबर पे आता है आर्टिजोन एस करके, आर्टिजोन एस जो है दोस्तों इसके अंदर फिनाइल बुटाजोन जो होते हैं 2 mg और साथ में सोडियम सेलिसलाइट जो होता है 20 mg पाया जाता है दोस्तों। ये भी है जो काफ़ी बेहतर तरीके से जो है काफ़ी पावरफुल है पेन, फीवर, स्वेलिंग जैसे डिसीज को, जैसे कि दर्द हो गया, सूजन हो गया, बुखार को काफ़ी तेज़ी से कम करने में दोस्तों ये काफ़ी मदद करता है दोस्तों। इसका भी उपयोग दोस्तों इसको आप लार्ज एनिमल में 20 से 30 ml फर्स्ट 2 दिनों तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 20 से 30 ml पहला 2 दिनों तक आप इसका उपयोग दोस्तों कर सकते हैं। साथ में स्मॉल एनिमल 5 से 10 ml 2 दिनों तक कर सकते हैं, जो कि IM रूट से मात्र देना होता है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारे नंबर पे आ जाता है मिनजेट करके, जिसके अंदर जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम और क्रोमियम जैसे होते हैं। ये दोस्तों मिनरल का इंजेक्शन है, इसके अंदर जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं दोस्तों। ये जो है ग्रोथ बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी, बांझपन दूर करने के लिए और प्रोडक्शन, दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है दोस्तों। काफ में, छोटे पशुओं में इसका उपयोग जो है, अगर आप इसका उपयोग जो है ग्रोथ में लगाना चाहते हैं, पशु को ग्रोथ करना चाहते हैं छोटे पशुओं को, तो आप 1 ml प्रति 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से हर 6 महीने पे आप इसका लगा सकते हैं। साथ में काफ और हीफर में दोस्तों 1 ml एवरी मंथ लगा सकते हैं कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए। इनफर्टिलिटी में आप काव या हीफर को 1 ml प्रति 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से दोस्तों प्रति मंथ जो है पर मंथ लगा सकते हैं। 1 महीने के बाद ही लगाना होता है दूसरी बार दोस्तों, ब्याने के 1 महीने बाद और ब्याने से 1 महीने पहले तक आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ml प्रति 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों हमारे नंबर पर आता है इंजेक्टिफोस करके, जिसके अंदर बूटाफोस्फेन, विटामिन B12 और मिथाइल हाइड्रो बेंजोएट जो होते हैं दोस्तों, इसके अंदर वो सारे चीज़ पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों मेटाबॉलिज्म जितने भी डिसीज है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लीवर, किसी तरह का पशु में लीवर की कमजोरी हो गया है, खराब हो है, उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में सेरम फॉस्फोरस लेवल को बढ़ाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों इसका जो है, और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम सही करने के लिए और यूट्रस के विकास के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसका बात करें पिका डिसीज, रेड वाटर स्ट्रेस जैसे डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एनीमिया हो गया और साथ में जो है दोस्तों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक कीटोसिस एंड मिल्क फीवर जैसे डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। IM IV तीनों रूट से लगाया जाता है दोस्तों। IM IV और सबकट बड़े पशु में 5 से 25 ml के बीच में आप लगा सकते हैं और छोटे पशु में 3 से 5 ml के बीच में आप इसका लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है अल्फोस 40 करके, जिसके अंदर सोडियम एसिड फॉस्फेट जो होता है 400 mg और साथ में फॉस्फोरस जो होता है दोस्तों 80 mg के आसपास में इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। इसका भी उपयोग दोस्तों है जो पिका डिसीज में, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में, फ्रैक्चर में, मिल्क फीवर जैसे डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है दोस्तों लार्ज एनिमल में 5 ml बाय जो है इंट्रामस्कुलर सबकट या IV रूट से तीनों रूट से लगा सकते हैं और छोटे पशु में 1 ml प्रति 1 ml जो है दोस्तों
IM सब कट या IV रूट से, किसी भी रूट से आप अपने पशु को लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे पास इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन जो होते हैं वो, जिसमें एक आता है अडर सेफ करके, जिसके अंदर सेफुरोक्जिन सोडियम जो होते हैं सो पाया जाता है दोस्तों। इसको आप इंट्रामेमरी यूज करना होता है, थन के छीमी में इसका इस्तेमाल करना होता है। अगर हमारे पशु को किसी तरह का मस्टाइटिस है, उसके अंदर सोजस है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, इन सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे क्लिनिकल हो गया मस्टाइटिस हो गया या सब क्लिनिकल मस्टाइटिस हो गया, इन सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है पेंडिजाइड जो होता है वो आता है, जिसके अंदर प्रोकेन पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट सल्फेनाडामाइड जो होते हैं हाइड्रोकोर्टिकोजोन एसीटेट होता है सो पाया जाता है दोस्तों। इसका भी उपयोग दोस्तों मस्टाइटिस में ही किया जाता है, 12 घंटे के अंतराल पे दोस्तों इसका उपयोग करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है पेंडिस्ट्रिन SH करके, जिसके अंदर प्रोकेन पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और सल्फेमेराजिन जो होते हैं वो पाया जाता है दोस्तों। इसका भी उपयोग दोस्तों एक्यूट मस्टाइटिस और क्रॉनिकल मस्टाइटिस जैसे डिसीज में किया जाता है दोस्तों। इसका भी उपयोग जो है एक जो ट्यूब जो आता है उसको 12 घंटे के अंतराल पे ही करना होता है, और 1 से 3 बार ही करना होता है, 3 बार तक ही करना होता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे पास होता है आता है मिल्क फीवर फॉर्मूला, जिसके अंदर दोस्तों जैसे कि माइफेक्स हो गया दोस्तों, कैल्बोरोल हो गया, उसी तरह का सेम टू सेम है जायडस कंपनी का ये मिल्क फीवर फॉर्मूला। इसके अंदर दोस्तों कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, डेक्सट्रोज जो है एनहाइड्रेस सो पाया जाता है दोस्तों, और साथ में दोस्तों इसके अंदर बोरिक एसिड भी पाया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग दोस्तों मिल्क फीवर में किया जाता है, जैसे कि हाइपोकैल्शिमिया हो गया, पशु के अंदर कैल्शियम की कमी हो गया है, या हाइपोमैग्नेशिया हो गया, उसके अंदर मैग्नेशियम की कमी हो गया है, या हाइपोफॉस्फोमिया हो गया, इसके अंदर फॉस्फोरस की कमी हो गया, इन तीनों डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इससे दोस्तों मात्र IV रूट से ही लगाया जाता है, और भी किसी पशु चिकित्सक के देखरेख में इसे दोस्तों लगाए, ये काफ़ी हार्मफुल होता है, अगर ज़्यादा स्पीड में लग जाता है तो पशु को काफ़ी ज़्यादा परेशानी करता है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है दोस्तों बोवीलाइट करके इंजेक्शन है सो आ जाता है, जैसे कि इंटालाइट रिन डेक्सट्रोज हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसा है दोस्तों, जिसके अंदर डेक्सट्रोज हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड IP जो हो गया सो हो गया दोस्तों। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड डिहाइड्रेट हो गया, उसके बाद सोडियम लैक्टेट हो गया दोस्तों। ये दोस्तों काफ स्कोर्स हो गया पशु के अंदर, छोटे पशु में अगर डायरिया ज़्यादा है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और बड़े पशु में डायरिया के अंदर कर सकते हैं, डेबिलिटी एंड डिहाइड्रेशन जैसे डिसीज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इंटालाइट रिनटोज जो है उन सबको जैसे आप उपयोग करते हैं सेम टू सेम वैसे भी इनको बोवीलाइट को आप कर सकते हैं। इसको आप उपयोग बड़े पशु में दोस्तों 500 से 200 ml पर डे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अब दूसरे इंजेक्शन की बात करें तो दोस्तों दूसरा इंजेक्शन डायरेलिन जो होता है सो आता है, यानी उसके अंदर बुसेरेलिन एसीटेट पाया जाता है, जैसे कि रिसेप्टल हुआ दोस्तों सेम टू सेम और रिसेप्टल जैसा ही है, जो कि एनेस्ट्रास हो, साथ में इम्प्रूवमेंट ऑफ कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए आफ्टर AI, यानी AI करने के बाद कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए आप इसका उपयोग दोस्तों कर सकते हैं। साथ में अस्ट्रस साइकिल आफ्टर काल्विंग ब्याने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि उसका हीट का जो साइकिल है वो मेंटेनेंस रहे, वो हर 22 दिन 21 दिन वो फिर से यानी कि वो हीट में आ जाए दोस्तों। साथ में सिंक्रोनाइजेशन जैसे में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। IM IV सबकट तीनों रूट से आप लगा सकते हैं दोस्तों। इसका जैसा इस्तेमाल है उसका डोज अलग अलग है दोस्तों। जैसे कि ट्रू एन स्ट्रेस में 5 ml उपयोग किया जाता है, फॉलिकल सिस्ट्स को हटाने के लिए 5 ml उपयोग किया जाता है दोस्तों, सिंक्रोनाइजेशन ओस्ट्रस के लिए 2.5 ml उपयोग किया जाता है दोस्तों, और डिले ओवुलेशन के लिए दोस्तों 2.5 ml उपयोग किया जाता है। साथ में कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद आप इसका 2.5 ml आप इसे भी लगा सकते हैं दोस्तों। IM IV और सब तीनों रूट से आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है पी डेपोर्ट करके, जिसके अंदर हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन एसीटेट इंजेक्शन जो होते हैं 200 पाया जाता है दोस्तों, जैसे कि ड्यूराप्रोजन हो गया सेम टू सेम उसी के तरह भी ये हुआ दोस्तों, उसको लगाया या इसको लगाया दोनों सेम ही है दोस्तों। इसको भी उपयोग दोस्तों थ्रेनेड अबोर्सन, हैबिचुअल अबोर्सन हो गया, रिपीट ब्रीडर या प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस जैसे
समस्याओं में आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरा इंजेक्शन के बारे में, जैसे क्लोस्ट्रोनॉल जो हुआ, क्लोस्ट्रोजेस्ट्रोनॉल सोडियम इंजेक्शन, जैसे कि बेटमेट हो गया दोस्तों, प्रेग्मा हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम ये भी है दोस्तों, जितना पीडोप हो गया, क्लोस्ट्रोनॉल हो गया, सारे हारमोन्स के इंजेक्शन है दोस्तों। इसका भी उपयोग दोस्तों मैं बेटमेट इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बना रखा है, वो भी जाके आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है इकोबोट्रिन जो होता है, इकोबोट्रिन वो आ जाते हैं दोस्तों, इसका इसके अंदर मिथाइल इग्रोमेट्राइन मिलिएट जो होते हैं 1 mg पाया जाता है दोस्तों, इसे आप आरओपी में इसका उपयोग कर सकते हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में इसका बहुत ही बेहतर तरीके से दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है, काम करता है। इसका उपयोग दोस्तों बड़े पशुओं में जो 2 से 5 mg प्रति एनिमल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, IVIM रूट से, किसी भी रूट से आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों। इस जो है रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा को बाहर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद दोस्तों आता है बीटा लॉक, इसका उपयोग जो है बोविन केटोसिस एंथराइटिस जैसे डिसीज में, इसका एलर्जी रिएक्शन जैसे डिसीज में, प्रेगनेंट टॉक्सोमियाइन ईविस जैसे डिसीज में इसका उपयोग किया जाता है। इसका बड़े पशुओं में दोस्तों 12 से 20 mg उपयोग किया जाता है, इसको इंट्रामस्कुलर सबकट रूट से, आर्टिकुलेट रूट से भी आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों आइसोफ्लूड प्रिडोन एसिटे, इसके बारे में भी हम वीडियो बना रखे हैं दोस्तों, हमारे वीडियो जो हमारे YouTube चैनल है उस पर जाके आप अपने ये आइसोफ्लूड के बारे में सारा जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आता है दोस्तों डेक्सोना पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप अपने हमारे YouTube के होम पेज पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाता है दोस्तों बूटालेक्स जो है दोस्तों थाइलेरिया जैसे डिसीज में बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है दोस्तों। ये जो है दोस्तों काफ़ी महंगा इंजेक्शन है, जो कि थाइलेरिया में ये इसका बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग होता जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों बेमी डो इंजेक्शन, जिसका उपयोग दोस्तों रेड वाटर बेबियोसिस एनाप्लाज्मोसिस जैसे डिसीज में इसका उपयोग किया जाता है, इस पे भी हम वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे कैडिस्टिन इंजेक्शन, इस पे भी हम वीडियो बना रखे हैं दोस्तों, वो भी आप जाके देख सकते हैं, सब इंट्राहिस्टामिन इंजेक्शन है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है दोस्तों जाइसेफ करके, जाइसेफ जो है दोस्तों ये जो है एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जिस पे हम वीडियो इससे पहले बना चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, चलिए मिलते हैं आने वाला अगला वीडियो में, तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले।